भूमयम् नित्यम् गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वन्दते। भवान् शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थितेश्वरः। त्वं त्रिभुवन गुरुवे बखाना आन जीव पावर राजाना विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा इति श्री।
despertando el guión. Keep it tuned in. A buzz me guión con mi lengua. Let's be for you take my money so tough. कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई, चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था, हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी, पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और अस समय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधिर कर दे, इस सृष्टि को समाप्त कर दे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण कंगोर दुनिया पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरू नाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रिया लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उपनाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रिया पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियाँ जो आज इस संसार में व्याप्त है, इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला, ऐं रे रे ऐं ऐं अयवर लं यमगणनम जब है गड़दश जब गड़दश खप चटत चटत कपय शशर हल।